एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और मेरा चश्मा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मैं कभी एक दो बार आई हूँ वीडियो में, इसको लगा के नहीं लगाया। मेरी एक आंख में दो का है, कितने का? एक मुझे याद नहीं, इनको याद है। एक में एक आंख का बनाया और एक में 25 पॉइंट और एक नंबर पर मैं नहीं लगाती, मुझे शर्म आती इसलिए। पर आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी देर मैंने लगा लिया इसलिए। तो बस नहा के आई हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा। आज मैं सुबह से ही, दो तीन दिन से ना मैं लेट स्टार्ट कर रही थी, आज सुबह से ही कर रही हूँ। बस चाय बनाई है मैंने और सारा काम ख़त्म किया है और आप लोगों के सामने हाजिर हो गई हूँ मैं। और कुछ मैं बातें करना चाहती हूँ, स्टार्टिंग में ही बातें करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे बन रही है हमारी दोपहर की चाय। चाय बनी है बहुत अच्छी, इलायची अदरक ख़त्म हो गया था, इलायची डाल के बना रही हूँ। ये देखिए खोला आ गया है। तो चाय बना के कुछ भी करूँगी तो गैस बंद कर दिए। तो चलिए चाय पी लेते हैं, आप भी पी लीजिए। और चाय का कलर बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे मैंने चोटी बनाई है, बड़ा वाला क्लेचर ऊपर लगा लिया है। और यहाँ पे मैं कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को फुल देखिएगा प्लीज़, जब ही आप लोग देख पाएंगे। तो यहाँ मैंने आटा ले लिया है और उसमें थोड़ा सा बेसन डाला है और इसमें डाली थोड़ी सी नमक, थोड़ा सा मिर्ची और कुछ भी नहीं डाला है। चार चीज़ें डाली हैं। और आप लोगों ने बोला था बोतल से आटा गूंदिए, तो मैं बोतल से आटा गूंद रही हूँ। तो जैसे रोटी बनाते वैसे हमें आटा गूंद लेना है, कुछ भी इसमें मतलब वो नहीं करना, सादा सिंपल से आटा गूंद लेना, ना टाइट हो ना गीला हो। तो बस मैं वही गूंदती जा रही हूँ और इनसे बातें भी करती जा रही हूँ। ये मैंने डिश एक दो बार पहले भी शेयर की है और बहुत से लोगों ने ट्राई किया है, उनको बहुत अच्छी लगी है। और एक बहुत सारे कमेंट आते थे, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, आप कुकिंग चैनल क्यों नहीं बना लेते हो, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो मैं इसी में अपने कुकिंग और पर्सनल लाइफ है, मैं मुझे ब्लॉग का शौक़ है। मैं चाहती हूँ मेरा ब्लॉग ही मेरी रेसिपी है, रेसिपी ही मेरा ब्लॉग है। मैं ये चाहती हूँ मैं दोनों चीज़ों को एक जैसे, मैं बातें, आप लोग बहुत सारे यूट्यूबर को देखते होंगे, उस वो बातें ही बातें करते रह रहे हैं। और यहाँ पर सोना रोने लगी थी तो मैं उसको अपने उसके पापा के पास छोड़ के आई, क्योंकि गंदे आटा गूंद रही हूँ तो हाथ अच्छे हैं नहीं, तो उसको गोदी ले नहीं सकती हूँ मैं। और ये बेड पे लेटे हुए थे तो इनको देख के आ गई, आटा ले गूंद के फिर रख दूँगी और उसको दूध पिलाऊँगी, दूध उसके बाद में बनाऊँगी। और उधर रख रही हूँ मैं कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दूँगी पानी जो कि मेरा गर्म होता रहेगा, और जब तक मैं उसे दूध पिला देती हूँ फिर आगे का काम करती हूँ। तो ऊपर आप देख सकते हो कढ़ाई में मेरा पानी गर्म हो रहा है और नीचे मैंने रख लिया है अपना आटा, चकला, बेलन और छोटी छोटी सी लोइयाँ ले ली हैं। और चाकू रखा है, एक प्लेट रखा है। तो देखिए मैं क्या बना रही हूँ और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फिर पहले बनाइएगा, खाइएगा, फिर आके मुझे कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ रोटी के जैसे मैंने पतली सी लोई ले दी और रोटी के जैसे बेल लिया है और चाकू से इसको ऐसे लंबे लंबे पीस में काट लिया। ये देखिए थोड़ा हाथ को ध्यान से रखे इसको काट लेंगे। ये देखिए चारों तरफ से और उंगली में लगा लगा के ऐसे करेंगे। और मुझे बहुत पसीना आ रहा है, ये देखिए ऐसे उंगली में यूँ लगा लगा के ऐसे इस तरीके से, मतलब जो बीच में खाली खाली रहे और साइड साइड से आटा लगा रहे, तो इसी तरीके से मैं सारे कर लूँगी। ये देखिए हमारे यूपी में तो शायद लोग जानते होंगे, यूपी में बहुत ये सब पसंद किया जाता है, यूपी की डिश है ये। जो लोग जानते हो प्लीज़ बताइएगा। हमारे यहाँ गूलर कहते हैं, कुछ लोग इसे बेसन के गट्टे कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं पर मुझे नहीं पता, मैं अपना नाम है वो बता रही हूँ। तो हमारे यहाँ इसे गूलर कहते हैं। तो एक रोटी के मैंने बना ली, जितने खाने उतने आप बना सकते हो। और मैं बच्चों से इनसे बातें करती जा रही हूँ, ऐसे पूरा काम हो जाता है। तो मैंने देखी दूसरी भी लोई, ना मोटी हो हमारा रोटी ना पतली हो, मीडियम हो। ज़्यादा पतला कर देंगे तो फिर अच्छे नहीं लगते, तो बीच का साइज़ होना चाहिए। तो इसी तरीक़ा से मैं इसे भी ऐसे काट लूँगी और उंगली की सहायता से इसे गोल गोल साइज़ इसका दे दूँगी। यही साइज़ अच्छा होता है क्योंकि इसमें अंदर तक सब कुछ भर जाता है, मसाला वगैरह सब भर जाता है और ये चटपटा तीखा सा मसाला बन के तैयार होता है, जो हमारा ठेले वाला नाश्ता भी फेल हो जाता है इसके आगे। और हमारे मकान में पड़ोसियों को ये चीज़ मेरी बहुत पसंद है, जब भी मैं बनाती हूँ तो मुझसे मांगते हैं प्रीति मुझे भी देना, तो फिर कभी कभी ख़त्म भी हो जाती है। तो क्योंकि हम दो लोग हैं तो दो के हिसाब से ही बनाते हैं, पर कोई मांगे तो देते भी मना भी नहीं किया जाता। तो हमारे मकान में ये सबको पसंद है क्योंकि मैं ही बनाती हूँ ये ऐसी चीज़ें,
मुझे नई नई चीज़ें बनाने की आदत है और मुझे अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने देखी कढ़ाई रख दी, मेरा पानी गर्म हो चुका है और देखिए मैंने सारे बना लिए आटे के, हाथ दिखा रही हूँ मैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से बनाए, आपको सारे देख रहे होंगे, और इसमें कढ़ाई में डाल दूँगी, देखिए सारे गोल गोल, और आटा है तो चिपक जाता है, आपको पता है उंगली पे चिपक जाए, तो इस तरीके से सारे डाल दिए। इसको उबालने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि आटा है, आटे को उबालने में टाइम तो लगता है, आधा घंटा लग जाता है। तो इसको धीमी आँच पर उबलने छोड़ देंगे और फिर जब तक मैं और बाकी का अपना काम कर लेती हूँ। ये देखिए उबलता है, इसको उबलने देती हूँ कम गैस पर। तो देखिए ये काफ़ी आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया है धीमी धीमी आँच पे, जब तक मैंने इसकी सारा तैयार कर लिया। देखिए खोला आ चुका है हमारा, और आप हाथ से पता कर सकते हो उबले हैं या नहीं उबले हैं, कच्चे तो नहीं है। तो इनको मैं उसी थाली में निकाल ले रही हूँ जिसमें मैंने आटा गूंदा था, क्योंकि वही सबसे बड़ी है, तो उसी में निकाल लिया है। और इसको जाके कढ़ाई को मैं धो के आ जाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छे से उबल चुके हैं, तो कढ़ाई को धो के फिर मैं रखती हूँ। तो कढ़ाई को मैं धो के लेके आ गई हूँ। मैंने लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट बना के तैयार रखा है, वो देख सकते, इसमें मैंने कूट लिया था, सिर्फ मुझे इसमें हरी मिर्ची डालनी है। तो हरी मिर्ची मैं इस तरीके से बीच में एक चीरा लगा के और डाल देती हूँ, और गैस मैंने तेज़ की थी, और इसमें डालेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल से ही ज़्यादातर सब्जियां मैं बनाती हूँ, बीच में बनाना बंद कर दिया था क्योंकि ख़त्म हो चुका था इस वजह से। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने सरसों का ऑयल डाला है जितना मुझे चाहिए उसके हिसाब से, और जीरा डाल दिया है, और इसमें आप डाल दूंगी लहसुन प्याज का पेस्ट और वो जो हरी मिर्ची एक साथ में। इसको हम भूनने देंगे, जा कोई भी मतलब मेरी सब्जियाँ सादा सिंपल और फालतू की चीज़ें ये लेके आओ वो लेके आओ नहीं है, मेरी जो घर में सामान होते हैं मैं उन्हीं से ही बना के दिखाती हूँ। तो देखिए लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट मेरा भुन चुका है, और उसमें मैंने डाल दिए मसाले। मसाले वही नॉर्मली हल्दी मिर्ची यही, नमक स्वाद अनुसार, तो यही था। देखिए मेरा मसाला कितना अच्छे से भुन गया, और फिर डाल देंगे ये मेरे बेसन के गट्टे। ये आप चाहें चाय से खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, और इन्हें रोटी से भी खा सकते हैं, गरम गरम ये गूलर हों और रोटी सेकते जाओ खाते जाओ, बहुत टेस्टी लगते हैं। अब इनको जब तक चटकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक इन्हें ये तेल ना छोड़ दे, तेल छोड़ने के बाद ये हमारे बन जाएंगे। तो वहाँ पे मेरी गैस मैंने तेज़ कर दी है क्योंकि इसका मुझे चटकाना था, हमारे यहाँ चटकाना बोलते हैं कि तेल छोड़ दे। जब तक मैं धनिया निकाल लेती हूँ, थोड़े बहुत ही धनिया बचे हैं मैंने इसके लिए बचा के रखे थे, और ये बन चुका है। अब खाएँगे तो जो सामान फैलेगा उसे कौन समेटेगा, हम ही तो समेटेंगे। तो यहाँ रसोई भी साफ़ कर लेती हूँ, मसालदानी है, नमक का डिब्बा है, जो किचन फैल जाता है खाने के टाइम वही फैल गया है। तो उधर मेरा खाना भी बन रहा है और ये भी तैयार है। और धनिया की पत्ती लेके जैसे कुकिंग चैनल वाले नहीं सजाते, तो इसी तरह के चलिए आज कुछ सजा लेते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमारे घर परिवार वाले तो खाने के लिए एकदम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और हम इसे खाने के लिए जा रहे हैं, बस धनिए से सजा लेना है। और आज मैंने चोटी बनाई, वो बताइएगा कैसी बनी है। तो गैस कर दी है मैंने बंद, और इसमें नींबू डालिएगा थोड़ा, अगर आपको अच्छा लगे, हमें तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा नींबू डालना, और धनिया तो चाहिए ही चाहिए बस। और बनके हो गया तैयार, और इनसे बातें होती जा रही, घर में यही हैं तो बातें तो इनसे ही करूँगी और किन से करूँगी। और प्लीज़ आप लोग ट्राई कीजिएगा, और ट्राई अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो धनिया की पत्ती मुझे इतनी चाहिए मिल गई थी, और उसमें से फेंक दी है डंडी, और इसको मैं धो के लेके आती हूँ, तब इसमें डालती हूँ और आपको पास से दिखाती हूँ। तो मैंने थाली में निकाल लिया है, और मेरी चुन्नी देखिए कैसे है, तो मैं धो के लेके आ गई, थाली में निकाल लिया, थोड़े से थाली में मैंने धनिया डाल दिया, बाकी कढ़ाई में, क्योंकि मेरी कढ़ाई में भी बचे हैं। तो चलिए इसको पास से दिखा देती हूँ मैं कैसा मेरा दिख रहा है। तो ठीक है, और गैस भी साफ़ हो गई, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कैमरे में मेरी रसोई गंदी लगे, तो इस वजह से हाथ मेरा रुकता नहीं है। तो ये लीजिए, आप भी खा लीजिए, और मैं बच्चों से पूछ रही हूँ मैं दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ, बहुत हंसी बनती है इस चीज़ के लिए मेरी। तो ये देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं ना, और धनिया डाल दिया है, और नींबू डालना, अब वो सॉरी नींबू दिखाना भूल गई थी, तो आप लोग नींबू भी डालिए। और देखिए इसके अंदर तक, इसलिए इसको ऐसे गोल गोल बनाते हैं, इसके अंदर तक मसाला घुस जाए। तो ये देखिए तेल कितना थोड़ा डाला था ना, और देखिए कितना तेल तेल हो गया है। तो जल्दी से आप भी ट्राई कीजिए। ख़त्म करने से पहले कुछ करूँगी मैं आप लोगों से बातें। परसों की वीडियो मैंने अपने सामान दिखाया था, उसमें से बोला था दी जो भी आया मेरे साथ हमारे साथ शेयर करना, तो फिर ठीक है मैंने बोला शेयर कर लेती हूँ। तो आप लोगों के साथ कर रही हूँ मैं रोज़ पेटल पाउडर, ये किन किन चीज़ों के लिए ये मैं अभी आपको बता दूँगी।
और मैंने ये एक बार लगा लिया है, सील खुला हुआ भी दिखाती हूँ, और मैं उसको आपको चेहरे पे भी लगा के दिखा देती हूँ। ये कैसे अगर आपके पास एक मिनट चम्मच ले लो, रोज़ में मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ। नॉर्मली पानी में आप इसको मिला सकते हो, ये फुल भरा हुआ आता है, पता नहीं चलता है, इसमें से थोड़ा सा ही लेना होता है। इसलिए रोज़ वाटर है आपके पास तो आप उसको यूज कर लीजिए तो और भी अच्छी बात है। आपकी ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़्यादा, जब तो बच्चे बीच में बोल रहे थे उनको शांत कर दिया है। तो आपके पास रोज़ वाटर है तो आप उसमें मिला सकते हैं, नहीं तो मैंने नॉर्मल सा सादा सा पानी लिया है। आपके ड्राई स्किन हुआ, यहाँ पे काले धब्बे हुए, पिंपल्स की दिक्कत हुई, आपके बहुत सारे, हमारे आजकल इतना ऑयली हम खाते हैं, ये ओरिजिन का है, प्योर नेचुरल है, और इसका प्राइस क्या है और कैसा है, ये बहुत ही अच्छा हमारे चेहरे पर काम करता है, बहुत ही ज़्यादा, और ज़्यादा रे अच्छा, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन से लेंगे तो अच्छा खासा सा आपको डिस्काउंट मिल जाए। और मैं आपको लगा के भी दिखा रही हूँ, मैं नहीं लगा पाती हूँ, इसी जरिए आप लोगों से बातें करते करते मैं लगाना भी सीख गई हूँ, अपने चेहरे के लिए कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, नहीं तो नहीं। तो इसके मुझे आपकी ड्राई स्किन है एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो जाएगी, और एकदम और काला काला चेहरा है, एकदम आपका चेहरा हेल्दी और ग्लोइंग हो जाएगा। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगे लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो इसको 10-5 मिनट जब तक ये ना सूखे तब तक इसको हटाना नहीं, थोड़े हल्के हल्के हाथों से इसे लगा लेना। आपके नोज़ पे काले काले धब्बे हो जाएँ या फिर आपको बहुत सारी समस्याओं का ये एक इलाज है, तो इतना तो अपने लिए टाइम देना ही चाहिए। ये एकदम से सूखा सूखा सा है, ये देखिए इस तरीके से है, और मेरे हस्बैंड भी इसको कभी कभार लगा लेते हैं क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है। मेरी नहीं है ड्राई स्किन, फिर भी मैं लगा लेती हूँ क्योंकि मेरी ज़्यादा ही कुछ ऑयली स्किन है, तो मैं अपने थोड़ा सा वैसे करने के लिए, वैसे मेरी आँखों में और कहीं धब्बे वगैरह नहीं है, आप लोग देख सकते एकदम क्लियर है मेरा चेहरा, चाहे काली हूँ पर एकदम क्लियर है। तो अगर आपको ये सारी समस्याएँ आपके मुहांसे निकल रहे हैं, आपके आँखों के नीचे काले धब्बे हैं और चेहरा काला काला ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो आप लोग ज़रूर लीजिएगा। और चलिए मैं इसको धो के थोड़ी देर सुखा लेती हूँ, फिर आपको इसका बारे में बता दूँगी, और आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आपकी इच्छा हो तो चेक ज़रूर कीजिएगा, उस लिंक पे आप टच करेंगे तो उसी व्यवसाय में पहुंच जाते हैं। बहुत सारे इनके प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे इनके प्रोडक्ट हैं, ये देखिए बहुत बिल्कुल आपका चेहरा एकदम हेल्दी हो जाए। तो इतने तो हम अपने चेहरे के लिए कर ही सकते हैं ना, थोड़ा बहुत तो अपने आप को टाइम देना ही चाहिए, है ना। तो ये देखिए था सारा का सारा, और वो आप रोज़ की बात करें तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे चेहरे के लिए रोज़ कितना फ़ायदेमंद है, कितने हमारे चेहरों को हेल्दी करता है, कितना ग्लोइंग करता है। जैसे हमारे पेट को खाने की ज़रूरत है, ऐसे चेहरों को भी थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है, पड़ती है कि नहीं पड़ती है। तो चलिए मैं इसको आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ, देखिए ये खुद से छूटता जाता है, ये देखिए। तो आप पिंपल्स और इन सब से परेशान हो चुके हैं तो ये ट्राई ज़रूर करिएगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा, रामबाण का इलाज करेगा ये। बातों पे ना जाइए, खुद यूज कीजिए फिर बताइएगा। देखिए खुद से छूटता जा रहा है, जैसे हल्दी नहीं छूटती है, इस तरीके से ये छूटता जा रहा है। इसी तरीके से आपके चेहरे की सारी गंदगी निकल जाएगी, जो भी धूल मिट्टी है इसी तरीके से निकलती जाएगी, देखिए। और लगाते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए बहुत वीडियो बड़ी हो जाएगी, मैं वैसे दिखाती हूँ। तो ये देखिए ओरिजिन का ये सामान है, और इसकी पैकेजिंग देखिए इस तरीके की, और इसका प्राइस 297 है। और ये देखिए, और ये कब बनी थी, 2020 में बनी थी, और ये स्टार्टिंग भी इतने की है, नहीं तो कमेंट आपके आने लगेंगे। और ये हमारी हेल्दी ग्लोइंग चेहरा के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। और रोज़ पेटल तो हमारे चेहरे के लिए कितना अच्छा है ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसकी लिंक आपको बताइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मुझे तो बहुत पसंद आया, आप लोग भी देखिएगा। और हमारे चेहरे के लिए कील मुहांसे हमारे चेहरे पे अक्सर निकलते ही रहते हैं, और गर्मियों में बहुत बेस्ट है।